क्रिसमस टाइम शुरू हो गया और उसी के साथ शुरू हो गया यहाँ हमारे रेस्टोरेंट पे कुछ अच्छी खासी डेकोरेशन। और यहाँ हमारे रेस्टोरेंट वालों ने काफ़ी अच्छे खासे पैसे लगा के ये एक डिज़ाइंस बनवाए हैं क्रिसमस डेकोरेशन के लिए। इस बेहतरीन डेकोरेशन को देख के आप सबको अच्छा लग रहा होगा और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेकोरेशन क्रिसमस पे हर एक रेस्टोरेंट हर एक शॉप वाला करता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके यहाँ पे आके खाना खाने में या शॉपिंग करने में। जिस भी चीज़ की दुकान है वो चाहेगा कि मेरी मर्चेंडाइज बिके, इसके लिए उसको इस तरह की डेकोरेटिव डेकोरेशन कर मतलब डेकोरेशन अपने स्टोर पर हर तरीके से करनी पड़ती है। और आप सब भी ये डेकोरेशन देखना चाहते हो, सच में आना चाहते हो कनाडा, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि आप कनाडा अगर आना चाहते हो ख़ास तौर पे स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो तो क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके यहाँ पे आने के लिए। अब कभी कई सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई कनाडा आना है, कनाडा आने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हैं। सो मेरी नज़र में जो दो बेस्ट ऑप्शन हैं वो है स्टडी वीज़ा और डायरेक्ट पीआर स्ट्रीम। सो जिनकी एज अभी ठीक है, यंग हो, स्टडी कर सकते हो, जस्ट प्लस टू पास करी है या फिर जस्ट अभी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए या आप यहाँ पे आ सकते हो। और अगर ट्वेल्थ करी है तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर कोई भी डिप्लोमा लेके आप यहाँ कनाडा में एज अ स्टडी परमिट के लिए आ सकते हो। जस्ट एक जो चैलेंज आपको सामने आएगा वो आएगा आइल्स एग्ज़ाम का। अगर आप बहुत अच्छे आइल्स बैंड ले आते हो तो आपको कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होगी यहाँ कनाडा के वीज़ा लेने के लिए और यहाँ पे आप आराम से स्टडी परमिट से कनाडा आ सकते हो। अगर आपकी एज काफ़ी हो चुकी है, आपका स्टडी में काफ़ी गैप आ गया या फिर किसी और वजह से आप स्टडी वीज़ा नहीं लेना चाहते तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, नॉक ओ ए बी कोई मैनेजरियल पोजीशन अगर हो वो ज़्यादा बेटर जॉब रहती है, नहीं तो आपके पास कोई टेक्निकल या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जॉब हो तो आपके आराम से पीआर के डायरेक्ट पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप किसी भी पीएनपी में एलिजिबल हो जाते हो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सस्कैचवान पीएनपी और मैनिटोबा पीएनपी काफ़ी फेमस है इसके लिए, जहाँ पे आप डायरेक्ट पीएनपी इंडिया से बैठे लगा सकते हो और आप डायरेक्ट कनाडा में एज अ पीआर रेजिडेंस आ सकते हो। सो ये दो जो हैं ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शंस हैं। बाकी और भी कई तरीके होते हैं यहाँ पे आने के, एज अ टूरिस्ट आ सकते हो आप अगर आप जस्ट थोड़ा टेम्परेरी थोड़ा टाइम के लिए घूमने फिरने आना चाहते हो, नहीं तो आप कोई ऐसा एम्प्लॉयड ढूंढ सकते हो जिसको आपके काम की ज़रूरत हो। दोज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड दोज आर नॉट श्योर शॉट वीज़ा, इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे। मेनली मैं बात कर रहा हूँ स्टडी वीज़ा पे, स्टडी स्टडी स्टडी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था इसलिए मेरे को स्टडी वीज़ा की और स्टडी परमिट की थोड़ी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। कई लोग पूछते हैं भाई स्टडी पे तो आना है लेकिन मेन हमारा फोकस है पीआर लेने का, पीआर लेने का फोकस है ना भाई, तो दो ही ऑप्शन आपके पास जो बेस्ट हैं यहाँ पे वो है, एक तो है नोवा स्कॉशिया। अगर आपने स्टडी करनी है आप नोवा स्कॉशिया आओ, नोवा स्कॉशिया की पीएनपी और नोवा स्कॉशिया अपने स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा लीनियंट है। सेम मैनिटोबा का हाल है, अगर आप मैनिटोबा में या नोवा स्कॉशिया में अपनी स्टडी करते हो एक साल के बाद आप अपनी पीआर फाइल लगा सकते हो, पॉइंट्स वगैरह की इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आती। अगर आपने इन प्रोविंस में स्टडी कम्प्लीट करी आपके 100% पॉइंट पूरे हो जाएंगे। और इसी के अल्टरनेटिव अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया या ऑन्टेरियो में अपनी पीआर अप्लाई करते हो वो भी दो साल की स्टडी कम्प्लीट करने के बाद, तो अभी गारंटी नहीं है कि आपके पॉइंट्स कम्प्लीट होंगे। इतनी सारी कंडीशन हैं उन प्रोविंस के अंदर जिसकी वजह से कई सारे ऑन्टेरियो और बीसी से जो स्टूडेंट्स हैं वो मूव करके नोवा स्कोशिया और मैनिटोबा आते हैं खासतौर पर पीआर लेने के लिए। और उन्हीं बंदों में से एक मैं भी हूँ जो बीसी से मूव किया मैनिटोबा पीआर लेने के लिए, बट यहाँ पे आके मेरे को एक नई स्ट्रीम मिल गई थी टीआर टू पीआर वाली, मैं उस स्ट्रीम के थ्रू जा रहा हूँ। अभी भी मेरा सब कुछ अंडर प्रोसेस है तो हो सकता है इन फ्यूचर मैनिटोबा पीएनपी के थ्रू पीआर लूँ, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, वो सब फ्यूचर की बातें हैं।
पर फिलहाल पॉइंट ये है कि अगर आपने पीआर लेने के लिए यहाँ पे आना है, सो बेस्ट अगर आप स्टडी ऑप्शन देख रहे हो तो आप सर्च करो वो कॉलेजेस और वो यूनिवर्सिटीज़ जो नोवा स्कोशिया में हैं या फिर हैं मैनिटोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई लोग कहते हैं विनिपेग तो हब है पीआर की, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्टली जो ओंटेरियो से मूव करते हैं स्टूडेंट और बीसी से मूव करते हैं वो मैनिटोबा आते हैं, खास तौर पे विनिपेग। अब विनिपेग में ऐसा क्या खास है जो नोवा स्कोशिया में नहीं है? नोवा स्कोशिया में अपनी कम्युनिटी है पर बहुत कम है विनिपेग के कंपैरिजन में। विनिपेग में भी इतनी ज़्यादा नहीं है पर डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, जिस रफ्तार से विनिपेग आज की डेट में डेवलप हो रहा है नोवा स्कोशिया उससे ऑलमोस्ट 50% कम डेवलप हो रहा है। नोवा स्कोशिया भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और आगे भी फर्दर वो डेवलप हो रहा है। अगर आप नोवा स्कोशिया जाते हैं वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं विनिपेग के कंपेरिजन में अगर मैं देखूँ। प्लस वहाँ की मिनिमम वेज भी मेरे ख्याल से विनिपेग से थोड़ी सी ज़्यादा है। विनिपेग का जो एक डीमेरिट है वो है उसकी मिनिमम वेज जो कि काफ़ी कम है, पर यहाँ पे अगर आपको पीआर मिलती है आप पीआर लेके कहीं पे भी दूसरी प्रोविंस में मूव कर सकते हो हायर वेज के लिए। अगर आप हायर वेज को पहले प्रेफर कर दो तो आप अपनी पीआर खतरे में डाल दो। सो बीसी या ओंटेरियो आप चूज़ कर लेते हो तो वहाँ पे आ जाके आपको इनकम सोर्स तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन पीआर के लिए फिर आपको वापस इधर उधर मूव करना पड़ेगा। इसलिए बेटर में ऑप्शन यही है कि आप विनिपेग मूव करो या फिर नोवा स्कोशिया के किसी भी सिटी में मूव करो, ऑल आर गुड सिटीज़। बस वहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी कम मिलती हैं, विनिपेग में फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे एक अच्छा खासा एयरपोर्ट है जो कि आपको वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो और ऐसे बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट करता है। हेलीफैक्स का भी एयरपोर्ट है, वहाँ से फ़्लाइट्स थोड़ी कम चलती हैं इन कंपेरिजन टू विनिपेग, और विनिपेग में अपनी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नोवा स्कोशिया, और ख़ास तौर पर अगर आप हेलीफैक्स के अलावा किसी और दूसरे सिटीज़ में जाते हैं वहाँ पर तो और ज़्यादा कम इंडियन कम्युनिटी देखने को मिलेगी आपको, प्लस इंडियन रेस्टोरेंट्स और बाकी ग्रॉसरी वगैरह और जो भी सामान हम इंडिया का देखने को मिलता है वो विनिपेग में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू नोवा स्कोशिया। लेकिन अगर आप बहुत बल्क में देख रहे हो, अगर आपको प्रॉपर अपना इंडियन स्टाइल चाहिए और आप इसलिए वैंकूवर या फिर टोरंटो जा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट ऑप्शन। सो अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ जिसका नाम है कोर्स चॉइस। कोर्स चॉइस कौन सी करी जाए? अब कई सारे बच्चे होते हैं जो इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, ब्रो एक साल का कोर्स लूँ मैं, दो साल का कोर्स लूँ, कौन सा बेस्ट रहेगा? तो डिफरेंस बस इसमें यही है कि अगर आप एक साल का कोर्स लोगे आपको एक साल का वर्क परमिट मिलेगा, एक साल का टाइम है आपके पास पीआर लेने के लिए, जबकि अगर आप दो साल का कोर्स लेते हो तो आपके पास तीन साल का वर्क परमिट होगा, आपके पास तीन साल हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। दैट्स ओनली डिफरेंस। इसके बाद कुछ तो बिल्कुल ही पर्टिकुलर हो जाते हैं कि ब्रो हमें बताओ कि ये वाला कोर्स मैंने लिया ये कोर्स कैसा है। फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछ रहा है कि ब्रो मैं डिप्लोमा इन हेल्थ साइंसेज ले रहा हूँ, भाई मेरे को इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया है तो मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड फिर भी कुछ कोर्सेज के बारे में कुछ गाइडेंस दे सकता हूँ। पर अगर आप में से हेल्थ साइंस या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछते हो, सो सॉरी मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कि उस कॉलेज में वो कोर्स कितना टफ है, कितना कैसा है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस लाइक दैट। मैं आपको इस बारे में कुछ इतना खास गाइड नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता, इसलिए आप जो प्रॉपर कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर जाके अगर आप कोर्स खोलोगे, कोर्स की फुल डिस्क्रिप्शन हर कॉलेज ने डाली होती है कि उस कोर्स में क्या होएगा, कैसे कैसे कोर्स की प्रोग्रेस होएगी, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कोर्स कितना डिफ़िकल्ट होएगा और कितना इजी रहेगा। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस कोर्स को किस तरह से हैंडल करते हो, आप कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हो।
वो कोर्स उतना ही इजी या डिफिकल्ट होएगा आपके अकॉर्डिंग। इट डजंट मैटर टू मी कि मेरे को वो कोर्स कैसा लगता है, मैं उस कोर्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं दे सकता जिसके बारे में कभी मैंने सुना भी ना हो पहले। सो मैं आपको कॉलेजेस की रेकमेंडेशन दे सकता हूँ, पर कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है ये आपकी खुद की प्रेफरेंस होगी। प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट कोर्सेज। लास्ट में मैं बात करता हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि भाई ओंटेरियो या बीसी में ही आना है क्योंकि वहाँ पे ठंड कम होती है इन कंपैरिजन टू विनिपेग। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ठंड से बचना चाहते हो तो नोवा स्कोशिया इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जितनी विनिपेग में पड़ती है। सो आप नोवा स्कोशिया के हेलीपैक्स या सिडनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छी अच्छा वेदर रहता है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जितनी विनिपेग में पड़ती है। पर अगर आप पर्टिकुलरली किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड की प्रेफरेंस के कारण ओंटेरियो या बीसी चूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी स्टडी जल्दी कंप्लीट हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ओंटेरियो जाने का। भले मैं खुद ब्रिटिश कोलंबिया से स्टडी कंप्लीट करी है लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटेरियो में जो एक डिफरेंस मैंने कंपेयर किया वो ये है कि आई डोंट नो कैसे, पर ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो उसको कंप्लीट करने में आपको 2.5 साल लग जाते हैं, जबकि ओंटेरियो में वही 2 साल का कोर्स लेते हो तो स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे 1-1.5 साल के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट करके वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। और ऐसा मैंने कई केसेस में देखा, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से 1-2 सेमेस्टर बाद में आए हैं और मेरे से पहले स्टडी डन करके बैठ गए ओंटेरियो में, और मैं ब्रिटिश कोलंबिया में ये सोच रहा था कि कहीं मेरे को स्टडी परमिट की एक्सटेंशन ना लेनी पड़े। सो वहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सेमेस्टर को लेकर कि इस सेमेस्टर में आपको ये कोर्सेज करनी ही करनी है, जबकि बीसी में उसके ऑपोजिट आपको चॉइस होती है कि आपके पास ये 20 कोर्सेज हैं, 20 कोर्सेज में से ये 10 कोर्सेज आप जब मर्जी कर सकते हो, ये 5 कोर्सेज आप किसी भी फील्ड से कर सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा लीनियंसी दे रही है, कोई मर्जी कोर्स करो यार, ये 10 कोर्स हैं ये आपको कंपल्सरी करने हैं, और इन 10 में से ये जो हाई एंड के कोर्सेज हैं इनकी कुछ फर्दर रिकमेंडेशन होती है कि ये कोर्सेज, ये 3-4 कोर्सेज हैं ये आप बाद में ही लेना, लास्ट के 2-3 सेमेस्टर में ले सकते हो, इससे पहले आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे। सो 7-8 कोर्सेज हैं ये आप पहले करो, उस 5-6 कोर्सेज जब मर्जी करो, और बाकी के जो 2-3 लास्ट के कोर्सेज रह गए वो एंड के 2-3 सेमेस्टर में आप जैसे मर्जी करना। पर ओंटेरियो में अब मेरे को पर्टिकुलरली नहीं पता एक्जैक्टली क्या सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे जहाँ तक मेरे दूसरे फ्रेंड्स मेरे को बताते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है कि पहले सेमेस्टर में यही 5 कोर्सेज करने, दूसरे में यही 5 कोर्सेज करने। सो इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा लीनियंट है बीसी, इसलिए वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है हमें काम स्टडी डन करते करते, जबकि ओंटेरियो थोड़ा इस मामले में स्ट्रिक्ट है और वो जल्दी स्टडी कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे। सो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहो, और आपको मैरी क्रिसमस, और ऐसी डेकोरेशन तो और भी काफ़ी सारी मैं दिखाऊँगा। अभी मेरी वीडियो ख़त्म होने से पहले 1-2 क्लिप्स मैं शेयर करूँगा जो मैंने बनाए हैं, लाइटिंग डेकोरेशन जो यहाँ विनीपेग में हो रखी है उससे रिलेटेड। सो सी दिस।